वेलकम टू माई क्लास चैनल। इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो इसकी इक्वल होता है, ठीक है, या ये इसकी इक्वल होता है, एक ही बात है, जो भी कह लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसके इक्वल होता है, या इसको क्लोज करो तो ये होता है, इसको ओपन करो तो ये आता है, इसको क्लोज करो तो ये, इसको ओपन करो तो ये, इसको क्लोज करो तो ये, ठीक है। और अगर इस तरह से, तो हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि स्क्वायर है ना, तो दो दफ़ा लिख सकते हैं। अच्छा जी, फैक्टराइजेशन इस तरह के टाइप की कैसी होती है कि ना हमने इसको राइट कर लिया, ठीक है, अरेंज भी कर लेना, पहले एक्स स्क्वायर टर्म, देन एक्स टर्म, देन कॉन्स्टेंट टर्म, फिर क्या कर लेना है, इसको ना इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। फॉर्म में कैसे लेके आएंगे कि ना 25x² ये किसका बनता है, तो ये 5x का अगर हम होल स्क्वायर करें तो ये सम कर सकते हैं, बिकॉज 5x का होल स्क्वायर 25x² की इक्वल है। इसको हमने इस तरह से कह दिया, तो ये देखो ये ए स्क्वायर बन गया प्लस टू, आप फॉर्मूले का लिखो, ठीक है, और ए भी है ना, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ये ऐसे करो कि जब इसका स्क्वायर बना दिया ना 5x का स्क्वायर, तो इधर थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो, प्लस 16 है, तो 16 देखो किसका बनता है, 4 का स्क्वायर। सेंटर में 2ab फॉर्मूले का आएगा ना, तो 2 फॉर्मूले का लिख दो, a ये b ये, सही है, तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आ गया। फिर उसके बाद क्लोज करना है, जैसे ये क्लोज इसमें हुआ है ना, आपने भी क्लोज करना है इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पकड़ के, जिन दोनों के ऊपर स्क्वायर था उनको क्लोज करके होल का स्क्वायर एक दफ़ा ही लिख देना, और यहाँ पर जो भी साइन टू के साथ होगा ना वो इधर कर देना, ठीक है। और आपकी मर्ज़ी है, इसको बाद में भी लिख सकते हो कि स्क्वायर है तो दो दफ़ा लिख दो, ठीक है। अगेन अब हम इसको भी देख लेते हैं, माइनस वाला ये कैसे हो जाना है, इसको राइट किया, ये पहले ही अरेंज था, एक्स स्क्वायर टर्म देना, एक्स और टर्म कॉन्स्टेंट, ठीक है। फिर क्या करो, अच्छा फैक्टराइजेशन में ये होता है, पहले देखते हो कॉमन कुछ ले सकते हैं तो कॉमन ले लेते होते हैं, नहीं निकलता तो फिर नहीं लेते, इसमें नहीं था कॉमन, इसमें ले सकते हैं तो ले लो। डिविजिबल बाय 3 है, ये भी तो 3 कॉमन ले लिया, 3 कितने टाइम 12 होता है 4 टाइम, 3 कितने टाइम 36 होता है 12 टाइम, 3 कितने टाइम 27 होता है 9 टाइम, 3 कॉमन ले लिया। अब इसको क्या करना है, हमने इधर डायरेक्ट ही कर दिया, तो हम इस तरह करके कर लेंगे कि ना इधर 2x का होल स्क्वायर कर दो, चलिए मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, 4x² है ना, तो हम बना लेते हैं इसको 2x का स्क्वायर, माइनस इसको स्पेस छोड़ के ना 9 है ना, तो आप ऐसे राइट कर दो 3 का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था, 2 फॉर्मूले का आ गया, ये a और ये b, और मैंने अब क्या कहा क्लोज़ कैसे करना है, 3 तो वैसे बाहर है ना, क्लोज़ कैसे करना है, जिन दोनों के ऊपर स्क्वायर है, एक इसके ऊपर है एक इसके ऊपर है, दोनों को इधर राइट कर दो, और इधर साइन कौन सा आएगा जो 2 के साथ है, 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। बाम इन दोनों को दो दफ़ा लिख दो, तो इस तरह से हमने इनको देखा। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है फैक्टराइजेशन पे, इसलिए मैंने अभी इधर से बता दिया, वरना मैंने वीडियोस खुद सॉल्व करके भी किया है, वो भी आप चेक कर सकते हो, जिससे आपको सही लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।